ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को और आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन मेरा रिजल्ट आया है। Yes, welcome back to the channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में अपना रिजल्ट शो करने वाला हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। देखो, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और अगर आपको याद हो जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा मेन फोकस यही था कि मैं इस चैनल में अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा जिस दिन से मैंने ट्रांसप्लांट करवाया और जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता मैं पूरी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा ताकि आपको पता लगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद से लेके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट तक एक पेशेंट को कितनी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने सर्जरी करवा ली और 2 दिन बाद आपके पूरे बाल आ गए। देखो, हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी से लेके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम लगता है और जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो काफी ज्यादा स्लोली आता है और इस बीच इतनी सारी सिचुएशन से एक पेशेंट को गुजरना पड़ता है जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता। तो इसीलिए मैंने अपने इस चैनल पे अपनी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी शो करी एंड आप लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट आया जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके हमारी फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी होती गई, इसीलिए हमने इस चैनल पे काफी ज्यादा अदर पेशेंट के रिजल्ट शो करने स्टार्ट कर दिए और उनके साथ साथ काफी ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी। अब देखिए, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट सिर्फ 1 साल तक दिखाया इस चैनल पे क्योंकि मैंने काफी बार बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जितना आना होता है वो 1 साल तक आ जाता है, 1 साल के बाद कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए मैंने अपना रिजल्ट दिखाना बंद कर दिया था एंड अपना मैक्सिमम फोकस हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस पे लगा दिया था। लेकिन काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा लोगों के ये कमेंट आने लगे थे कि आप प्लीज अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट शो करिए, आपको ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है, क्या आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया जो आप अपना रिजल्ट नहीं दिखा रहे हो। काफ़ी लोगों को ये लगने लग गया था कि 1 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट आने के, 1 साल बाद बाल दोबारे से झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ 1 साल होती है। तो इसीलिए मैंने आपके डाउट क्लियर करने के लिए अपना रिजल्ट शो किया है आज की वीडियो में। 2 साल का रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, मैं आपको क्लोज व्यू में रिजल्ट शो करूँगा तो आप मेरा रिजल्ट अच्छे से देखिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट कैसा है, मुझे हेयर स्टाइल कैसा रखना चाहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों, मेरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को और आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन मेरा रिजल्ट आया है। देखिए, 3000 ग्राफ लगे थे मेरे, FUE टेक्निक से हुआ था। काफ़ी लोगों को डाउट था मेरी डेंसिटी को लेके क्योंकि जो मैं लेटेस्ट वीडियोस डाल रहा था। देखिए, एक्चुअली मैं वीडियोस जब शूट करता हूं तो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग यूज़ करके शूट करता हूं, जिस वजह से हो सकता है मेरी डेंसिटी कम दिखती हो, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं मेरी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन डेंसिटी है। अभी जो वीडियो में वीडियो शूट हो रही है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं मेरी फ्रंटल हेयर की डेंसिटी और एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, इस वजह से मेरा लुक थोड़ा ज़्यादा नेचुरल आता है। और हेयर स्टाइल की बात करें तो मुझे अपना हेयर स्टाइल बेहतरीन लगता है एंड इट सूट्स। अब हम अगर बात करें हेयर लाइन की तो मैंने काफ़ी बार आपको एक बात बताई है कि हेयर लाइन शुड बी मेड ऑफ सिंगल हेयर फॉलिकल, आपके हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल ही यूज़ होने चाहिए। तो मेरे आप केस में देख सकते हो पतले पतले बाल लगाए गए हैं फ्रंटल हेयर लाइन में, जिस वजह से लुक जो है वो ज़्यादा नेचुरल आता है। आपने काफ़ी केसेज ऐसे देखे होंगे जहाँ पे फ्रंटल हेयर लाइन में मोटे मोटे बाल लगा देते हैं जिस वजह से उनका लुक थोड़ा प्लगी होता है और कोई देख के बता सकता है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे केस में सिंगल हेयर ग्राफ का इस्तेमाल हुआ था इसलिए मेरा लुक थोड़ा बहुत नेचुरल है। अब देखिए, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आपकी डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है फ्रंटल एरिया की। देखिए, डेंसिटी ज़्यादा होना एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट की निशानी नहीं है। डेंसिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके फ्रंटल एरिया की डेंसिटी आपके एग्जिस्टिंग हेयर से मैच करे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट होता है। और मेरे केस में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है, मेरे फ्रंटल एरिया की डेंसिटी एग्जिस्टिंग हेयर के साथ बिल्कुल मैच करती है जिस वजह से लुक जो है वो ज़्यादा नेचुरल आता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग हेयर के लिए क्या यूज़ कर रहे हो, तो देखिए अभी तक मैं सिर्फ बायोटिन टैबलेट यूज़ कर रहा था लेकिन पिछले 1 महीने से मैंने फिनिस्ट्राइड लेना स्टार्ट कर दिया। फिनिस्ट्राइड 1 mg में यूज़ कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में अगर साइड इफेक्ट की बात हुई तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा कि मुझे पर्सनली कोई साइड इफेक्ट फील हुआ कि नहीं। और अगर बात करें मिनोक्सिडिल की तो मैंने आपको बताया मैंने मिनोक्सिडिल 5 से 6 महीने यूज़ किया था, उसके बाद बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया और अभी भी मिनोक्सिडिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग हेयर के लिए मैं ओनली बायोटिन टैबलेट्स एंड फिनिस्ट्राइड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बिल्कुल सेफ हैं। थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो देखिए होता ही है, वो डेफिनेटली आफ्टर ट्रांसप्लांट आपका होगा। अगर आपको 10 से 15-20 बाल भी झड़ रहे हैं तो इट्स टोटली नॉर्मल, ये मेरे झड़ते ही हैं। बाकी ट्रांसप्लांटेड एरिया की अगर बात करें तो बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होता। अगर बाई चांस 1-2 हेयर फॉल हो भी जाए तो वो बिल्कुल वापस आ जाता है क्योंकि जो हेयर हैं वो सेफ जोन से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली नेचुरल लगती है, मैंने काफ़ी ज़्यादा हज़ारों पेशेंट के रिजल्ट देखे हैं।
मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि फ्रंटल एरिया में आप हमेशा सिंगल हेयर ग्राफ का ही इस्तेमाल करो ताकि आपका लुक नेचुरल आए। अभी जो आप मेरा रिजल्ट देख रहे हो ये लाइटनिंग में देख रहे हो, अभी आगे जाके वीडियो में एक वीडियो हमने शूट किया है सिंपल यू नो बिना लाइटनिंग के रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा डेंस दिखेगा, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये सिंपल रूम का रिजल्ट है, इसमें कोई लाइटनिंग यूज़ नहीं हुई है, सिंपल सनलाइट का इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख सकते हैं अब आपको रिजल्ट ज़्यादा विजिबल दिख रहा होगा, यू नो डेंसिटी इज़ प्रिटी मच फाइन अकॉर्डिंग टू मी, और हेयर लाइन बहुत अच्छी लगती है, कोई देख के बता नहीं पाता। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई एम टोटली हैप्पी विद माई हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यू नो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है। मैंने एक साल तक आपको रिजल्ट शो किया एंड आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मेरे साथ साथ काफ़ी अदर पेशेंट के भी हमने रिजल्ट शो किए हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार बना इस चैनल में, और मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ आप लोगों के लिए वो बहुत कम है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो इसीलिए आप अगर फर्स्ट टाइम वीडियो में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें चैनल में आपको हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और रिजल्ट्स दिखते रहेंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोज़ लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।